कोलकाता डाक्तरी छात्री दुष्कर्म हत्या मामला नहीं देशव्यापी कंपन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डाकरा रे सकाळ 6टा रु आरंभ होई देशव्यापी डाक्तरंक धारणा जारी रहिबो। केवल जरूरीकालीन सेवा सेबडे मध्यरात्रि रे हॉस्पिटल रे भंगारुजा घटना ने ममता सरकार को धिक्कार करछन्ते कोलकाता हाईकोर्ट। डाक्तरी समुदाय रो सुरक्षा ने एक्शन मोड रे मोदी सरकार। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय रो निर्देश डाक्तरंक प्रति हिंसा घटना रे 6 घंटा रे एफआईआर। आईएमए अधीन रे 6000 रु अधिक डाक्तर धारणा रे शामिल होछन्ति। पूरा घटना रे उभय डाणी और गुणिया भूमिका रे ममता सरकार। गोटेपटे राज्य अन्यतम सर्वपुरातन मेडिकल कॉलेज परिसर एत बड़ कांड है अथच अभियुक्त को धरवे फेल मारा मंग पुलिस। अंपक्ष सीबीआई हाथ को तदंत कला हॉस्पिटल परिसर प्रमाण नष्ट करागला प्रयास। तदंत चली घटना घटी मेडिकल कॉलेज कॉन्फ्रेंस हॉल को रिनोवेशन करागला। 14 तारीख मध्यरात्रि हजार हजार उपद्रवी मेडिकल कॉलेज पशि भंगारुजा कले। ममता इंटेलीजेन्स जापारा ना आ शुक्रवार ममता निज दलय कर्मी सहित रास्ता खोल दोषी को फाँसीदंड दावी करते शोभायात्रा। ममता बानाजी को दोमुहा चरित्र को नहीं बर्षि बीजेपी। प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और अगर हमारे खिलाफ किसी भी तरह का वर्बल या फिर कुछ अब्यूज होता है, सेक्सुअल या हरासमेंट किसी भी तरह का कुछ भी होता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। हमें ये बस ये चाहिए कि हर डॉक्टर, हर नर्स, हर एक प्रैक्टिशनर को सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट मिलना चाहिए। एक किसी को थप्पड़ भी मार देते हैं तो हमों को बोलता जाता है कि पीस में रहिए, आप डॉक्टर हैं। क्यों सिर्फ डॉक्टर का ही काम रहता है कि पीस रहने का? हर कोई किसी को पीट पाट के चला जाता है, बट हमारे साथ क्या होता है? अन्याय होता है ना। हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। अभी हम लोग पीसफुली कर रहे हैं, आगे जाके हम और आक्रोशित मोड पे भी आ सकते हैं। तो हमारा बंगाल सरकार से यही निवेदन है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही निवेदन है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें और जितने भी दोषी हैं, अभी तक जितने भी तीन हमारी साथियों की जान गई है, उनके सारे दोषियों को फांसी की सजा तुरंत से तुरंत दी जाए। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।